डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। एक मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं निधि पालीवाल आज आपके सामने कक्षा 12 के विषय गणित के अध्याय 1 संबंध और फलन का भाग 2 लेकर के प्रस्तुत हूँ। हम अपने पिछले भाग में संबंध किसे कहते हैं यह जान चुके हैं। संबंध के प्रांत और परिसर और सहप्रांत इनको भी हम समझ चुके हैं। इस भाग 2 में हम संबंध कितने प्रकार के होते हैं इनको जानेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध की हमारी परिभाषा क्या कहती है? समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव समुच्चय A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R is equal to phi subset of A cross A। इसको हम एक छोटे से उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास एक सेट A इस प्रकार है जिसके अवयव 1, 2, 3 हैं। हमारे पास एक संबंध R कुछ इस प्रकार परिभाषित है, x, y order pair such that x plus y is equal to 10 for all values of x, y belongs to set A। ये अब हम इसको R को हम अपने रोस्टर फॉर्म में जरा लिख करके देखेंगे। उससे पहले हम अपना A क्रॉस A निकाल लेते हैं, देखते हैं हमें A क्रॉस A क्या प्राप्त होता है। A क्रॉस A हमारा जो होगा कार्तीय गुणन A का A के साथ, वह इस प्रकार लिखेंगे हम। यह हम पिछले भाग में लिखना सीख ही चुके हैं कि यह किस प्रकार लिखा जाता है कार्तीय गुणन। 2, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2। देख लेते हैं एक बार। 1 के साथ हमने सारे अवयव लिख लिए हैं, 2 के साथ हमने 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3 हमारा आ चुका है। फिर 3 के सब साथ 3, 3, 3, 1, 3, 2 ये हमने A क्रॉस A के सभी संभावित क्रमित युग्मों का सेट हमने निकाल लिया है। अब हम देखते हैं हमारा संबंध यहाँ R किस प्रकार परिभाषित है, कि संबंध R हमारा इस प्रकार परिभाषित है कि X और Y के ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय ऐसे ऑर्डर पेयर का सेट जहाँ X और Y दोनों का जो जोड़ है वह हमें 10 प्राप्त हो, यानी कि जो दोनों घटक हैं प्रथम घटक और द्वितीय घटक दोनों का जोड़ हमें 10 प्राप्त हो। तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, देखिए हमें प्राप्त होता है कि नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर पेयर सेट लेते हैं 1, 1 जहां X हमारे पास 1 है और Y हमारे पास 1 है। अब हमने इन दोनों का जोड़ देखा x प्लस वाई, हमारे पास क्या आया यहाँ पर 2 आएगा। क्या संबंध को यह परिभाषित कर रहा है? नहीं, संबंध यह कह रहा है कि दोनों घटकों का जो योग है वह हमारा 10 हमें प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर जोड़ हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोनों का 1 प्लस 1, दोनों घटकों का योग 2, अतः ये आएगा इसमें नहीं आएगा।
1, 2 इन दोनों का जोड़ हमने देखा 1 + 2 हमें क्या प्राप्त हुआ 3। 3 10 के बराबर नहीं है अतः यह भी नहीं आएगा। 1 + 3 हमें कितना प्राप्त हो रहा है दोनों घटकों का योग 4। तो यह भी क्रमित युग्म संबंध R के सेट में नहीं आएगा। 2, 1 हम जब देखते हैं इन दोनों का जोड़ हमें कितना प्राप्त होता है 2 + 1 = 3। इसी प्रकार देखिए 2 + 3 हमें कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पर दोनों घटकों का योग 5। 3 + 3 हमको कितना प्राप्त हो रहा है 6। इसी प्रकार देखिए 2 और 2 इनका जोड़ हमारे पास आ रहा है 4। 3 और 1 का जोड़ आ रहा है हमारे पास 4। 3 और 2 का जोड़ आ रहा है हमारे पास 5। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्रमित युग्म हमको दिख रहा है जिसके दोनों घटकों का योग 10 हमें प्राप्त हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी क्रमित युग्म हमें यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः हमारा संबंध R जो है वह एक रिक्त समुच्चय हमें प्राप्त हुआ। इसको हम यहाँ पर इस सिंबल फाई से भी दर्शा सकते हैं। आइए अब हम सार्वत्रिक संबंध को समझते हैं। सार्वत्रिक संबंध की हमारी परिभाषा क्या है? समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है। अर्थात R = A×A। इसको भी हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। हमारा इस बार सेट समुच्चय A हमने कुछ इस प्रकार लिया 1, 2, 3 जो इस सेट A के अवयव हैं। इसके बाद हम इसके A×A ले लेते हैं कार्तीय गुणनफल A का A के साथ। तो सभी संभावित क्रमित युग्म हम एक बार लिख लेते हैं। ये हमको प्राप्त हो गया 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ये हमारे सभी संभावित क्रमिक युग्मों का समुच्चय A×A कार्तीय गुणनफल है। अब यहाँ पे हमारा संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। क्रमित युग्म X, Y सच दैट दोनों घटकों का जो जोड़ है X + Y वह 6 से छोटा हो या 6 के बराबर हो। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ X, Y बिलोंग्स टू सेट A। देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है इसमें। इसको रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम 1, 1 इन दोनों का जोड़ कितना आया दोनों घटकों का योग 2 जो कि 6 से छोटा है। तो यह संबंध को परिभाषित कर रहा है। तो यहाँ पर 1, 1 हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं 1, 2 इन दोनों का जो जोड़ आ रहा है वह हमारे पास क्या आ रहा है 3 जो कि 6 से छोटा है। तो यह क्रमित युग्म भी इस समुच्चय में सम्मिलित होगा। अब 1, 3 इनके दोनों घटकों का योग हमारे पास क्या आ रहा है 4 तो यह भी सम्मिलित होगा। इसी प्रकार 2, 1 दोनों को हमने जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ यह 3 प्राप्त हुआ और 3 जो कि 6 से छोटा है। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों घटकों का योग हमारे पास प्राप्त हो रहा है 4 यह भी इसमें सम्मिलित होगा क्योंकि यह कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। इसी प्रकार 2 और 3 का जोड़ हमें प्राप्त हुआ 5 यह भी इसमें सम्मिलित रहेगा क्योंकि यह भी 6 से छोटा है। 3 और 1 का जोड़ हमें प्राप्त होगा दोनों घटकों का 4 तो 3, 1 यह भी सम्मिलित रहेगा। 3 और 2 का जोड़ हमको प्राप्त होगा 5 जो कि 6 से छोटा है अतः यह भी इसमें सम्मिलित रहेगा। इसी प्रकार 3, 3 इन दोनों का दोनों घटकों का जोड़ हमारे पास आ रहा है 6 जो कि 6 के बराबर है।
इस कंडीशन को, इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है, अतः यह भी इसके अंतर्गत आएगा। अब देखिए यहाँ पर यह संबंध R जो है वह A क्रॉस A के बराबर हमको प्राप्त हो रहा है। जितने जो अवयव इसके हैं वही इसके भी हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह जो हमने उदाहरण लिया है संबंध का, यह एक सार्वत्रिक संबंध है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को हम ट्रिवियल रिलेशन यानी कि तुच्छ संबंध भी कहते हैं। अब हम एक और प्रकार लेते हैं, स्वतुल्य संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A belongs to समुच्चय A के लिए क्रमिक युग्म A, A also belongs to set संबंध R। तो इसको भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास जो सेट A है उसके अवयव हमारे पास A, B, C, हमने तीन अवयव का सेट लिया है। अब हमारे पास एक संबंध R1 कुछ इस प्रकार परिभाषित है। A, B, C, C। क्या यह संबंध स्वतुल्य संबंध है? हाँ है। कैसे? देखिए यह पहले प्रत्येक एक अवयव A के लिए इसमें A, A इस सेट संबंध R में है। हाँ है। B अवयव के लिए हम देखें B, क्रमित युग्म इस संबंध R में शामिल है। हाँ है। इसी प्रकार C अवयव के लिए हम देखते हैं तो क्रमित युग्म C, इस संबंध R1 में सम्मिलित है। हाँ है। अतः प्रत्येक अवयव के लिए हमको A, belongs to R प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं यह संबंध जो है वह स्वतुल्य संबंध है। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे पास संबंध एक इस प्रकार लिखा हुआ है A, B, B। क्या यह संबंध स्वतुल्य है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें A के लिए A, क्रमित युग्म इसमें सम्मिलित है R2 सेट में, B के लिए B, इसमें सम्मिलित है, परंतु C के लिए यहाँ पर C, क्रमित युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है संबंध में, तो हम कहेंगे कि यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास इस प्रकार है A, A, B, B, तथा C, C। हमारे पास क्रमित युग्मों का समुच्चय। क्या यह संबंध स्वतुल्य है? हाँ है। क्योंकि A के लिए हमारे पास A, क्रमित युग्म इसमें सम्मिलित है, B के लिए अवयव के लिए B, इसमें सम्मिलित है, C अवयव के लिए इसमें C, भी सम्मिलित है। अब अतिरिक्त क्रमित युग्म इसमें सम्मिलित है, इससे इसकी इस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अतः यह संबंध जो है हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब हम सम्मित संबंध की परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। सम्मित संबंध समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सम्मित कहलाता है यदि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A, B बिलोंग्स टू R, A, B क्रमित युग्म बिलोंग्स टू R, इनसे B, A बिलोंग्स टू R हमको प्राप्त हो। इसको भी हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक सेट हमने ले लिया समुच्चय A जिसके अवयव हमारे पास क्या है A, B, C। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देखिए कि हमारे पास संबंध एक R1 कुछ इस प्रकार परिभाषित है A, B,
बी कॉमा ए, क्या यह संबंध सममित है? हाँ, यह संबंध सममित है क्योंकि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए, यहाँ पर हमको ए कॉमा बी से बी कॉमा ए क्रमित युग्म में भी हमारे संबंध में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर ये आर जो है वह समुच्चय ए लिखा होना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ए कॉमा बी हमारे इस समुच्चय ए के अवयव हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर आर टू सेट हमारा इस प्रकार परिभाषित है, बी कॉमा सी, सी कॉमा बी, क्या यह संबंध सममित है? चेक करते हैं, ए कॉमा बी से हमें बी कॉमा ए क्रमित युग्म इसमें प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। बी कॉमा सी से का से हमको सी कॉमा बी हाँ प्राप्त हो रहा है, परंतु इसके लिए हमारे पास बी कॉमा ए हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, इस संबंध आर में सम्मिलित नहीं है, तो हम कह सकते हैं यह संबंध आर जो है वह सम्मित नहीं है, संबंध आर टू। अब हम एक और संबंध को समझते हैं, संक्रामक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्रम की। क्रम हमारा सही रहे तो हम आसानी से इसको हम पहचान सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक संबंध है अथवा नहीं। इसको हम एक छोटे से उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी है। अब हम एक संबंध आर लेते हैं, आर वन कुछ इस प्रकार है हमारे पास, और हम इसको चेक करेंगे क्या यह संबंध हमारा संक्रामक संबंध है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको। देख, अब इसमें परिभाषा पे हमें ध्यान देना है। परिभाषा हमारी क्या कह रही है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी belongs to R, तो A कॉमा C यानी कि इससे हमें क्या मिल रहा है? A कॉमा C हमको प्राप्त हो रहा है, also belongs to R। तो देखिए यहाँ पर ये चीज इस क्रम का हमको ध्यान रखना है, यानी कि जहाँ पर इसका द्वितीय घटक खत्म हो रहा है, जहाँ ये द्वितीय घटक है वहीं इससे जुड़े हुआ द्वितीय घटक यहाँ पर प्रथम घटक है, फिर जब हम इनको मिला रहे हैं तो इस सेट का प्रथम घटक और इस वाले क्रमित युग्म का द्वितीय घटक मिलाकर के क्रमित युग्म हमारे पास संबंध आर में हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है कंडीशन कैसे हमें मिल रही है। हमारे पास हमने क्या लिया? ए कॉमा बी, फिर हमारे पास क्या है? बी कॉमा ए। कंडीशन के हिसाब से अब हमारे पास क्या हमें प्राप्त होना चाहिए? ए कॉमा ए इस संबंध आर में सम्मिलित होना चाहिए। क्या यह इसमें सम्मिलित है? नहीं है, अतः यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं दूसरा संबंध का। हमारा सेट यही है ए कॉमा ए बी कॉमा बी और हमारे पास क्या है ए कॉमा बी, ये तीन क्रमित युग्म है हमारे पास। अब देखिए अभी अब इस संबंध आर के
सबसे पहले हमने लिया ए कॉमा ए, फिर ए से फिर कौन सा लेना होगा हमको, ए कॉमा बी, इसको और इसको ले रहे हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ए कॉमा बी परिभाषा के अनुसार। तो क्या हमको ए कॉमा बी प्राप्त हो रहा है? हाँ, ए कॉमा बी हमारे इस संबंध में सम्मिलित है। अब हम जरा चेक करते हैं बी कॉमा बी। बी से देखिए, बी यहाँ पर हमारा इसमें द्वितीय घटक है। ऐसा कोई अवयव देखिए इसमें क्रमित युग्म जिसका प्रथम घटक बी हो, नहीं है तो भी है संक्रामक संबंध की कंडीशन को पूरा कर रहा है। अब हम जरा लेते हैं ए कॉमा बी। देखिए इसकी साइकिल, इसका क्रम लिख लेते हैं ए कॉमा बी, फिर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बी कॉमा बी। यहाँ पर देखिए इनको सम्मिलित करने पे हमें प्राप्त हो रहा है ए कॉमा बी, जो कि इसमें सम्मिलित है। ए कॉमा बी हमारा ये यहाँ पर इस संबंध आर में सम्मिलित है, अतः हम कह सकते हैं हाँ यह संबंध संक्रामक संबंध है। एक और संबंध हम लेते हैं बी कॉमा सी, बहुत छोटा संबंध हमने लिया है। क्या यह संक्रामक संबंध है? हाँ है, क्योंकि ध्यान दीजिए परिभाषा हमारी क्या कह रही है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमारे पास बी कॉमा सी हमारे पास इस संबंध में है। अब इससे जुड़ा हुआ हमारे पास दूसरा अवयव इस नहीं है तो भी यह संबंध जो है संक्रामक संबंध कहलाएगा। यदि a कॉमा b बिलोंग्स टू r तथा b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that a कॉमा c बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसमें यह अवयव वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं लग रही है, तो हम केवल इस एक कंडीशन से ही कह सकते हैं। तुल्यता संबंध, समुच ए पर परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, यानी कि इसमें तीनों कंडीशंस हमारी अप्लाई होती हैं। तो इसको भी हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। हमारे पास एक सेट ए इस प्रकार है, जिसके अवयव हमारा संबंध आर कुछ इस प्रकार परिभाषित है। इसको हम चेक करेंगे क्या इसमें तुल्यता संबंध हमारा, क्या यह संबंध तुल्यता संबंध है अथवा नहीं। देखते हैं, सबसे पहले सतुल्य की कंडीशन देखते हैं। हर अवयव का उसके साथ सतुल्य a कॉमा a, b के साथ b कॉमा b, c के साथ c कॉमा c इस संबंध r में सम्मिलित है। हाँ है, तो यह संबंध जो है वह स्वतुल्य कहलाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं सममित की कंडीशन a कॉमा a, इसका सममित भी हमको a कॉमा a मिलेगा, तो यह फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार b कॉमा b का सममित b कॉमा b भी इस पे है, c कॉमा c का सममित भी c कॉमा c इसमें है, a कॉमा b का सममित b कॉमा a और b कॉमा a का सममित a कॉमा b इसमें सम्मिलित है। अतः यह संबंध R हमारा सममित है। अब इसके बाद हम संक्रामक की कंडीशन को देखते हैं। संक्रामक संबंध के से देखें, अब हम सेट लेते हैं A कॉमा A हमारा है, साइकिल हम लिख लेते हैं इसको क्रम से, ये हम रफ वर्क है एक तरीके से, ये a कॉमा a हमारे पास फिर b कॉमा b। अब यहाँ से आप देखिए हमें क्या मिलना चाहिए, a कॉमा b क्या इसमें है? हाँ है। अब हम b कॉमा b फिर c कॉमा c से हम जरा देखें, b कॉमा b से के बाद इससे जुड़ा हुआ सेकंड कंपोनेंट से जुड़ा हुआ हमारे पास ये यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो अब ये देखिए इनको इनको क्रमबद्ध करने पर b कॉमा a क्या इसमें सम्मिलित है? हाँ इसमें सम्मिलित है। c कॉमा c हाँ यह संक्रामक है। अब हम यहाँ पर ये वाला लेकर देखते हैं a कॉमा b क्रमित युग्म, फिर हमारे पास आ रहा है b कॉमा a,
यहां से इसको हमने समझा तो हमारे पास कंडीशन के हिसाब से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ये आर है, यहाँ पे यह भी बिलोंग्स टू आर है, तो इन दोनों से मिलाकर हमें ए कॉमा ए भी आर में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अब हम बी कॉमा ए के लिए देखें, बी कॉमा ए हमने लिखा बिलोंग्स टू आर, अब यहाँ पे हमारे पास ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसमें इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर हमको प्राप्त हो रहा है। अतः यह दिया गया यह जो संबंध है वह संक्रामक संबंध भी है। तो यदि कोई संबंध सममित, स्वतुल्य तथा संक्रामक तीनों ही है तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। अब मैं आप लोगों को करने के लिए है एक टेबल दे रही हूँ, इसमें टेबल में देखिए हमारा समुच्चय किस प्रकार है। यहाँ पे ये आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, फिर इसके बाद एक हमने ये त्रिभुज का समुच्चय लिया है, संबंध इनके अंतर्गत किस प्रकार परिभाषित है। यहाँ पर ये स्मॉलर देन के लिए परिभाषित है, ये ग्रेटर देन के लिए, ये इक्वल टू के लिए। यहाँ त्रिभुज में संबंध सर्वांगसम का है, एक में समरूपता के लिए। अब आप लोगों को करना क्या है, पहचानना है कि इन समुच्चयों के अंतर्गत ये जो संबंध परिभाषित हो रहे हैं क्या यह स्वतुल्य सममित संक्रामक है अथवा नहीं, क्या इनमें तुल्यता संबंध लागू हो रहा है या नहीं। अब आप लोगों की सुविधा के लिए इस अध्याय से संबंधित पाठ्य सामग्री और अभ्यासकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं और आपके इस ऐप को डाउनलोड करके इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों व अन्य गतिविधियों का अभ्यास कर सकते हैं। यह जो वीडियो है आपको YouTube चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब आप देख सकते हैं। धन्यवाद।